कूड़े के ढेर कब से लगे हैं यहाँ पे? ये कम से कम 2-3 महीने हो गए, यहाँ कोई गाड़ी नहीं आती कूड़ा उठने वाली, एक आती है हफ्ते 15 दिन में 20 दिन में। के जीरो जोन क्षेत्र की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आप ये मत समझिए कि हरिद्वार से 5 किलोमीटर है 10 किलोमीटर, मैं हर की पौड़ी के क्षेत्र की आपसे बात कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये देखिए आप, अब यहाँ का नज़ारा देखिए कि कितना स्वच्छ और कितना सुंदर हरिद्वार की तस्वीर। यहाँ से जो पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको ये जाती होगी। बेटे मेरी दुकान नहीं लगा देंगे जे लोग। क्या ये कब से कूड़ा नहीं उठ रहा? 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीना हो गया, काफ़ी बदबू आती होगी। बदबू आती है, बीमार हो गए बेटे, 6 बोतल लगी हैं सवेरे। शिव शंकर जी की मूर्ति है सामने, और उसके ठीक पीछे बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो ये घाट आपको जो दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर आपको एक कूड़े का ढेर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि कैसे जो ये कूड़े हैं यहाँ पर जमा हुआ है। आप देख सकते हैं कूड़ा जलाओ आपको इनके भगवानों के बीच में दिखाई देगा। आखिर ये हरिद्वार में कौन सी जो है प्लानिंग के तहत ये ऐसा काम यहाँ पर हो रहा है कि ना तो कोई कूड़ा उठाने वाला यहाँ पर आ रहा है और कूड़े को जलाया जा रहा है वो भगवान की प्रतिमाओं के पास, खंडित प्रतिमाओं के पास के डब्बे जो हैं वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है कि ये कूड़े के दान जो कूड़ेदान थे कहाँ चले गए, कौन इन्हें ले गया, और इन जो इसका बजट आया होगा वो आखिर कहाँ गया। सूरत हाल आप यहाँ के देखिए कि कैसे ये कूड़ा पड़ा जो है गंगा जी में सड़ रहा है, और ठीक शिव शंकर जी की मूर्ति के समय हम सामने आ चुके हैं, और ये ऐसा हाल जो है आपको आगे तक पूरा दिखाई देगा कि यहाँ आप ये काली पन्नी से देखिए कैसे यहाँ पर कूड़े को जलाया गया है, कितना धुआं इस समय यहाँ पर होता होगा, और अभी भी जो है इसमें जलने की जो है वो बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है कि वातावरण के साथ ये कितना बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर गंगा के किनारे किया जा रहा है। क्या हम तो सारे का सफाई करते हैं और अच्छा। करते हैं और हफ्ते में पैसे लेते हैं और सफाई मतलब कुछ नहीं है जी, सारे गंगा जी का कूड़ा वूड़ा हम सब ठा गए हैं गिरते हैं जी इधर। अच्छा आपको करनी पड़ती सफाई? हमें बैठते बाबूजी ये चार करनी पड़ रही है धंधा हमारा जी। अच्छा नमामि गंगे उल्टा करके अगर कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा जूम करके वहाँ पर दिखा दें, ये उल्टा नमामि गंगे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और ये कर्तव्य गंगा नहीं रुकेंगे और स्वच्छ कर। हाँ जी। तो कोई कूड़ेदान कोई नगर निगम की तरफ से कोई आया नहीं यहाँ? नगर निगम के जवान जब मेरा चला गया जब पैसे लेना मांगा जी उससे पहले देख लीजिए, इसके साथ साथ चेंजिंग रूम भी कहीं ना कहीं अगर मैं इसमें जाऊँ तो मैं इसमें क्या चेंज करूँगा ये आप खुद सोच सकते हैं। इसके साइड के जो ये जो वॉल्स थी सपोर्ट जो थी वो गायब हो चुकी है, कहते हैं कि कूड़े को जलाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो गंगा आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। आखिर इसका कूड़े का प्रभाव गंगा के जल पर नहीं पड़ेगा तो आखिर क्या होगा? आइए नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार का द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। आज हरी टीवी एक रियलिटी चेक पर उतरा है, जिस तरीके से हरिद्वार में स्वच्छता के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और स्वच्छता के कई अवार्ड जो हैं वो हाल ही में हरिद्वार को मिल चुके हैं, लेकिन उनके क्या मानक थे, किस आधार पर वो दिए गए, इन पर आज जो घाटों पर कूड़ा गंगा किनारे पसरा हुआ है वो बड़े प्रश्नचिन्ह खड़े कर रहा है। इस समय हर की पौड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं और उसके आसपास घाटों के आज रियलिटी चेक करने के लिए एक एक करके जो है जाएंगे और देखेंगे किस तरीके से घाटों पर जो गंदगी के अंबार हैं वो लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं इस समय हम ठीक ये शिव शंकर जी की बड़ी मूर्ति आप देख सकते हैं हाईवे के किनारे आपको दिखाई देगी, और ठीक उसके पीछे घाट पर मौजूद हैं, और ये आप देख सकते हैं पार्किंग के जो ये घाट है नज़दीक वहाँ पर कूड़े के आपको ढेर अगर हम आपको दिखाएं तो ये देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो है ये कूड़े के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं, कूड़ा जो है वो जलाया गया है। जिस तरीके से वातावरण और गंगा की स्वच्छता के साथ खिलवाड़ हरिद्वार में किया जा रहा है उसको दिखाने के लिए आज हरी टीवी जो है वो ग्राउंड में उतर चुका है। सीढ़ियों की अगर बात करें तो देख सकते हैं कैसे यहाँ पर कई दिनों से कूड़े के ढेर यहाँ पर कपड़े इत्यादि पन्नियाँ और गंगा में तैरते हुए आपको पत्तल के साथ साथ तमाम कूड़ा करकट आपको जो दिखाई दे रहा होगा ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़े प्रश्नचिन्ह खड़े कर रहा है हरिद्वार की सफाई व्यवस्था को लेकर कि आखिर कब से जो है यहाँ पर सफाई नहीं हुई है और कब से ये कूड़ा जो है वो जो है यहाँ पर नहीं उठाया जा रहा है। देख सकते हैं कि कूड़े को जलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो गंगा आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। आखिर इसका कूड़े का प्रभाव गंगा के जल पर नहीं पड़ेगा तो आखिर क्या होगा? आइए कुछ लोग हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आशा है। यहीं रहते हैं? मेरी दुकान है। अच्छा तो ये कूड़े के ढेर कब से लगे हैं यहाँ पे? ये कम से कम 2-3 महीने हो गए, यहाँ कोई गाड़ी नहीं आती कूड़ा उठने वाली, एक आती है हफ्ते 15 दिन में 20 दिन में, और वो भी मन उनके वो कहता है कि क्या नाम लेते हैं यहाँ पे वो उठाने वाला कोई है नहीं। हम कहते हैं हमें फावड़ा वगैरह तसला वगैरह दे दो हम उठवा देते हैं लड़कों को बुला के,
लेकिन वो कहता मेरे पास है नहीं कुछ भी, वो एक कोई होता है तो करवा देता है, नहीं तो वो ऐसे छोड़ के चल जाता है जो उसके कट्टे कुट्टे हम लोग भर ले। कोई भी नगर निगम का कुछ कोई गाड़ी नहीं आती, कोई नगर निगम किस समय गाड़ी नहीं आ रही, खाली महीने 15 दिन में एक ट्रेले आता है, वो भी उसको कोई मिलता है उठा के फेंकने वाला तो फेंक जाते हैं, और नहीं तो ये कूड़ा ऐसी पड़ा। हरिद्वार को तो स्वच्छता में अवार्ड मिल रहे हैं, साफ सफाई में कुछ भी साफ सफाई नहीं। यहाँ पे रात को 11-12 बजे करीब गाड़ी यहाँ पे झाड़ू मारने वाले आते हैं, वो कूड़ा यहाँ इकट्ठा करके चल जाते हैं, और कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं होता है। ठीक, तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं गंभीर आरोप यहाँ पर कि, और ये कूड़ा अपने आप में तस्वीरें जो हैं वो बोलती हैं। ये देख सकते हैं कैसे यहाँ पर बड़ी तादाद में पन्नियों से लेकर यहाँ बदबू काफ़ी ज़्यादा रही है। आइए आपको आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे घाट पर आगे की तरफ भी जो है कूड़े के ढेर यहाँ पर आपको लगे हुए दिखाई देंगे। ये हरिद्वार के जीरो जोन क्षेत्र की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आप ये मत समझिए कि हरिद्वार से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर मैं हर की पौड़ी के क्षेत्र की आपसे बात कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये देखिए आप, अब यहाँ का नज़ारा देखिए कि कितना स्वच्छ और कितना सुंदर हरिद्वार की तस्वीर। यहाँ से जो पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको ये जाती होगी, और जो अधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं ऑफिसों में बैठकर, जो ग्राउंड पर कभी उतर के जिन्होंने आज तक हालात नहीं देखे कि गंगा किनारे क्या घाटों के हालात हैं, उसको दिखाने के लिए हरी टीवी जो है उन अधिकारियों तक ये तस्वीरें ज़रूर पहुँचाइए कि कैसे जो है यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आइए इस घाट पर अगर हम आगे तक जाएंगे तो आपको पूरे ऐसे ही सूरत हाल नज़र आएंगे कि कितना सुंदर जो है। तो लोगों से भी कुछ बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये कूड़े का ढेर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है लगा हुआ, और मक्खियाँ मच्छर तमाम यहाँ पर गंदगी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि कैसे जो लोग हैं वो यहाँ पर इस कूड़े के बीच में जो है अपनी दुकान वगैरह लगा रहे हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? बेटे मेरी दुकान नहीं लगा देंगे जे लोग। क्या ये कब से कूड़ा नहीं उठ रहा? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया, काफ़ी बदबू आती होगी। बदबू आती है, बीमार हो गए बेटे, 6 बोतल लगी हैं सवेरे से। अच्छा, बगल में दुकान है जी, कूड़ा डरा। अच्छा, तो उन अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे? कोई आया यहाँ देखने के लिए? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, और स्वच्छता के अवार्ड मिल रहे हैं हरिद्वार को। ठीक, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लोग भी जो हैं वो कहीं ना कहीं इससे हताश हैं, निराश हैं कि कैसे ये गंगा किनारे जो कूड़े के अंबार हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। और सिर्फ ये 2-3 जगह ही नहीं, पूरे अगर आप यहाँ पर लगभग 400-500 मीटर के जो घाट हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरिद्वार के तमाम घाटों की सच्चाई आज हरी टीवी आपको दिखाएगा, तो आप भी हैरान रह जाएंगे कैसे गंगा किनारे ये गंगा की स्वच्छता के साथ। और मैं NGT को भी कहना चाहूँगा कि इस मामलों का संज्ञान ले और ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो गंगा की मर्यादा के स्वच्छता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आप देख लीजिए, ये ठीक शिवशंकर जी की मूर्ति है सामने, और उसके ठीक पीछे बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो ये घाट आपको जो दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर आपको एक कूड़े का ढेर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि कैसे जो ये कूड़े हैं यहाँ पर जमा हुआ है। तो आइए आपको लिए चलते हैं अब इसी सीरीज़ में अगले घाटों की तरफ कि कैसे आज हरिद्वार के एक स्वच्छता के घाट आपको हरी टीवी दिखाने जा रहा है। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं घाटों पर साबुन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिसकी सख्त हिदायत है, सख्त मनाही है कि गंगा में साबुन इत्यादि का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं गंगा के मर्यादा के साथ, निर्मलता के साथ ये एक खिलवाड़ है। तो देख सकते हैं कि कैसे ये हरिद्वार का आपको शिव जो बड़ी मूर्ति है उसके पीछे का क्षेत्र, इस समय हरी टीवी आपको दिखा रहा है कि, और ये अब इस समय एक नया तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि कैसे गंगा के घाटों पर जो ये टूटी हुई जो मूर्तियाँ हैं वो आपको यहाँ खंडित मूर्तियाँ बड़ी तादाद में पड़ी हुई दिखाई देंगी कि, और इनको हटाने इनकी देखरेख सुदबुद लेने वाला इनके कोई नहीं है। ये देख सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं ये गंगा में आप कूड़े का अंबार देंगे। ये देखिए, ये कट्टा पन्नी और तमाम तरीके की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ये काई आप देख सकते हैं कि कैसे गंगा में जम रही है, और इसमें जो लोग हैं वो फंस के डूब जाते हैं कहीं ना कहीं, बड़ी तादाद में काई आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये मूर्तियाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो गंगा किनारे मूर्तियाँ अपने आप में सवाल खड़े कर रही है कि आखिर इसका कोई देखरेख, इसकी कोई सुदबुद लेने वाला हरिद्वार में है या नहीं। ये देख सकते हैं आपकी जो टूटी खंडित मूर्तियाँ हैं वो गंगा किनारे बड़ी तादाद में यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो देख सकते हैं कि अब पुल की तरफ बढ़ चुके हैं जहाँ पार्किंग है भीमगोड़े की, और ये गंगा में खंडित मूर्तियाँ दिखा दें उसके साथ साथ आपको ये बड़ी संख्या में जो मूर्तियाँ गंगा के किनारे दिखाई दे रही होंगी अपमानित जो हैं यहाँ पर हो रही हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो मूर्तियाँ गंगा किनारे लोग डाल के जाते हैं, खंडित मूर्तियाँ जिनके हाथ टूटे हुए हैं, देख सकते हैं किसी का सर नहीं है। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊँ ये जला हुआ कूड़ा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कहीं ना कहीं उल्लंघन है नियमों का, कानूनी तौर पर उल्लंघन है। और आइए आपको अंत में दिखा दें जिधर पुल है वहाँ के क्या हालात हैं, वहाँ गंगा की स्वच्छता आपको कैसे दिखाई देगी, वो पुल की तरफ आपको लिए चल रहे हैं।
तो देख सकते हैं कि ये रास्ते में चलते हुए गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर टूटी हुई दिखाई दी, ये भोले शंकर की प्रतिमा दिखाई दी। चूँकि कांवड़ मेला आने वाला है, बड़ी तादाद में कांवड़िया यहाँ पर आते हैं, जल लेकर जाते हैं, भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, और उसके साथ ही आप देख सकते हैं कूड़ा जलाओ आपको इनके भगवानों के बीच में दिखाई देगा। आखिर ये हरिद्वार में कौन सी जो है प्लानिंग के तहत एक ऐसा काम यहाँ पर हो रहा है कि ना तो कोई कूड़ा उठाने वाला यहाँ पर आ रहा है और कूड़े को जलाया जा रहा है, वो भगवान की प्रतिमाओं के पास, खंडित प्रतिमाओं के पास। ये आखिर भगवान का सीधे तौर पर अपमान नहीं तो क्या है? आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन सा विभाग लेगा, किसके अंतर्गत जो है ये सब कार्य यहाँ पर आते हैं? अगर आइए आपको लिए चलता हूँ आगे की और दिखाते हैं कि कैसे गंगा किनारे जो कूड़ा है वो गंगा में पड़ा हुआ सड़ रहा है और उसकी कोई सुध बुध लेने वाला वहाँ पर नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि हम इस समय जो भीमगोड़ा पार्किंग है, पंतदीप पार्किंग जिसको कहा जाता है, उसके हालात हम इस समय सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं अपनी तस्वीरों में। ये देखिए, ये गंगा का जल आपको दिखाई दे रहा है और ये गंगा किनारे की हालत आप देख सकते हैं, जैसा ऐसा लग रहा है जैसे कोई गंगा किनारे कोई नाला गंगा जी में आके गिर रहा हो। ये देख सकते हैं, ये अब सूरत हाल आप यहाँ के देखिए कि कैसे ये कूड़ा पड़ा जो है गंगा जी में सड़ रहा है। और ठीक शिव शंकर जी की मूर्ति के समय हम सामने आ चुके हैं और ये ऐसा हाल जो है आपको आगे तक पूरा दिखाई देगा कि जहाँ जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ आपको गंगा में कूड़ा पड़ा हुआ जो है सड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने के सपने की तरफ पहला कदम, दून डिफेंस ड्रीमर प्राइवेट लिमिटेड। अपने सपनों को उड़ान दें, आज ही संपर्क करें 8650779069 पर। तो जिस खबर को लेकर आज हरी टीवी बना हुआ है आप देख सकते हैं, इधर अगर मैं पार्किंग की बात करूं तो कूड़ा आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। देख सकते हैं कि कैसे यहां पर प्लास्टिक के कट्टे जो हैं, ग्लास जो हैं, पन्नियां जो हैं, पॉलीथीन वो आपको यहां पर दिखाई देंगे और पूरी पार्किंग में आपको जो कूड़ा है जगह जगह वो आपको फैला हुआ दिखाई दे रहा होगा। गंगा किनारे की तस्वीरें हम आपको इस समय यहाँ पर दिखा रहे हैं और उसी के साथ साथ अगर गंगा घाट की बात करें तो इधर आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर कूड़े के ढेर आपको लगे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि ये देख सकते हैं श्रद्धालु जो यहाँ पर नहा रहे हैं उनके बीच में उनको जो है कूड़े के ढेर के बीच में यहाँ पर स्नान करना पड़ रहा है। और ये देखिए कि कितनी स्मेल यहाँ पर आ रही है, खाना यहाँ पर डाला हुआ है, सड़ी हुई पन्नियों के साथ साथ तमाम यहाँ पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये हरिद्वार की हकीकत बयान कर रहा है कि ये भीमगोड़े वाली अब गंगा जी की तरफ हम आ गए हैं और श्रद्धालु आप देख सकते हैं यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं और इस कूड़े के ढेर के बीच में कुछ रेलिंग भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेलिंग ही गायब है, घाटों पर रेलिंग की कोई व्यवस्था ही आपको दिखाई नहीं देगी, पूरी रेलिंगें जो हैं वो टूटी हुई हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको इधर दिखाऊँ तो इधर देख सकते हैं कि कैसे जो है ये कूड़े के ढेर आपको यहाँ पर गंगा किनारे ये गंदगी आपको आज हरी टीवी जो अपनी एक्सक्लूसिव खबर में दिखा रहा है। ये देखिए कूड़ेदान, सबसे बड़ी बात आप देखिए जो कूड़ेदान यहाँ पर कुंभ मेले में आपको लगे हुए दिखाई दिए होंगे वो कूड़े के डब्बे जो हैं वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है कि ये कूड़े के दान जो कूड़ेदान थे कहाँ चले गए, कौन इन्हें ले गया और जो इसका बजट आया होगा वो आखिर कहाँ गया। ये आप कूड़े के हाल देख सकते हैं कि ये कब से यहाँ पर जो है कूड़ा यहाँ पर आपको पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे आप लोगों ने बताया कि दो दो एक डेढ़ डेढ़ महीने से कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है। और ये इधर अगर मैं आपको दिखाऊं गंगा में खंडित मूर्तियों के आप हाल देखिए कि कैसे यहाँ पर मूर्तियाँ जो हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, इन तक को कोई उठाने वाला यहाँ से हटाने वाला नहीं है। आइए आपको आगे लिए चलते हैं और दिखाते हैं आज, क्योंकि जिस खबर को लेकर हरी टीवी बना हुआ है, अगर सामने वाली साइड भी मैं आपको दिखाऊं तो उधर भी आपको गंगा किनारे घाटों पर कूड़ा सीधे तौर पर दिखाई दे रहा होगा। वो आप सामने देखिए कि जो टीन शेड है उसके सामने आपको जो इस समय हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और देखिए कैसे वहाँ पर जो है कूड़े के ढेर आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ पर स्कूटी इस समय जो है वो जा रही है। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है हरिद्वार की व्यवस्था को लेकर कि आखिर यहाँ का नगर निगम कहाँ सो रहा है और जो यहाँ के अन्य अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है जो हरिद्वार को संभाल रहे हैं वो आखिर यहाँ पर आकर इसका दौरा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हरिद्वार की मर्यादाओं के साथ गंगा के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। ये आप आगे देखिएगी एक और ढेर हमको देखने को मिला है, आप खाली ये दो तीन ढेर मत समझिए, ऐसे सैकड़ों ढेर आपको जहाँ जहाँ हरिद्वार के घाट होंगे वहाँ आपको नज़र आएंगे। और ये हरकी पौड़ी के क्षेत्र में हम इस समय घूम रहे हैं, ये देखिए आप ये काली पन्नी से देखिए कैसे यहाँ पर कूड़े को जलाया गया है, कितना धुआं इस समय यहाँ पर होता होगा और अभी भी जो है इसमें जलने की जो है वो बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है कि वातावरण के साथ ये कितना बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर गंगा किनारे किया जा रहा है। NGT कहीं ना कहीं इस मामले को संज्ञान में ले और कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए कि कैसे बाबू जी ये कूड़ा कब से नहीं उठाए। आइए ज़रा कुछ बात कर लेते हैं लोगों से, भाई साहब ये कूड़े के कुछ दो महीने लोग बता रहे हैं कि दो ढाई महीने से कूड़ा नहीं उठा, क्या सच्चाई है? माइक में बोलिए। बाबूजी सच्चाई है, हम तो सारे का सफाई करते हैं और अच्छा। करते हैं और हफ्ते में पैसे आते लेते हैं
और सफाई को मतलब कुछ नहीं है जी, सारे गंगा जी का कूड़ा वोड़ा हम सब ठा गए हैं, गेरते हैं जी इधर। अच्छा, आपको करनी पड़ती सफाई? हमें भी, हमें बैठते बाबूजी ये चार करनी पड़ रही है, धंधा हमारा जी। अच्छा, हाँ जी। तो कोई कूड़ेदान कोई नगर निगम की तरफ से कोई आया नहीं? नगर निगम के जवान जब मेरा चला गया जब पैसे लेना हमें जी, उससे पहले कोई नहीं आता, कोई नहीं आता ना। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर कहीं ना कहीं जी जी। और क्या कहना चाहते हैं अधिकारियों को, क्या कहना चाहते हैं जो देख रहे हैं? अधिकारियों का ये तो आपके आपके सामने पड़ा, कल आए थे पूरी पार्टी आई थी, सारा ठाका उससे ठा ठा कर सब है ढेर लगा दिया। ठीक, इतना और करा। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये कूड़े के ढेर आपको हरी टीवी जो आज अपनी एक्सक्लूसिव फॉर्म में दिखा रहा है, लोग जो है हमें देखकर बोलना शुरू जो हुए हैं, कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा संकेत देता है कि लोग इससे पहले अगर अपनी आवाज़ उठाएं तो कहाँ उठाएं, क्योंकि इतने चैनल और इतने जब नेशनल जो राष्ट्रीय चैनल वाले मीडिया वाले हैं वो इन खबरों को जब कहीं ना कहीं नहीं दिखाते तो लोग जो हैं वो लोकल मीडिया के सामने जो है डिजिटल मीडिया के सामने अपनी आवाज़ बुलंद करना पसंद करते हैं। तो ये डिजिटल मीडिया के बढ़ने का भी एक कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन इस तरीके से प्राप्त हो रहा है। तो आइए ले चलते हैं आपको अन्य घाटों की और दिखाते हैं कैसे कूड़ा जो है घाटों गंगा के किनारे जो है वो पड़ा हुआ है। तो हर की पौड़ी की तरफ इस समय बढ़ चुके हैं, जैसा लगातार हरी टीवी इस खबर बना हुआ है, सामने आप देख सकते हैं घंटाघर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से 100 200 300 मीटर दूर होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये आपको एक और कूड़े का ढेर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि देखिए इसका मतलब जब कूड़े के जले हुए निशान अगर दिखाई दें तो इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि कूड़ा काफ़ी टाइम से यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसलिए इसको यहाँ पर लोगों द्वारा जलाया गया है क्योंकि उठ नहीं रहा होगा। और एक और कुंभ में जो कलश, जैसे हमने आपको कुंभ में कूड़ेदान दिखाया, ये कुंभ के जो कलश आपको दिखाई दे रहे होंगे जिसमें शायद कपड़े कुपड़े डालने के लिए कहा गया था, वो कलशों की आप हालत देखिए, ये देखिए नमामि गंगे उल्टा करके अगर कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा जूम करके वहाँ पर दिखा दें, ये उल्टा नमामि गंगे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और ये कर्तव्य गंगा नहीं रुकेंगे और स्वच्छ करेंगे, स्वच्छ करेंगे। तो ये देख सकते हैं कितना स्वच्छ यहाँ पर जो विभाग हैं वो हरिद्वार को कर रहे हैं। और ये मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से भी कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों का कहीं ना कहीं संज्ञान लिया जाना चाहिए और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत में स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं, ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर जो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना दिखाकर एक दो जगह की चीज़ें दिखाकर जो है कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और आज हरी टीवी की जो खबर आप देख रहे हैं कि कितने किलोमीटर हम चल चुके हैं और लगातार गंगा के घाटों की हर की पौड़ी से सटे हुए जो घाट हैं उनकी हालत आपको दिखाई दे रही होगी कि कैसे यहाँ पर खंडित मूर्तियाँ अपमानित हो रही हैं। ये देख सकते हैं खंडित मूर्तियाँ यहाँ पर पड़ी हुई दिखाई दे रही होंगी और उसके साथ साथ कूड़े के ढेर आपको लगातार इधर जो है वो ये देख सकते हैं। ये एक और कलश हमको दिखाई दिया है टूटा हुआ, ये चेंजिंग रूम आप देख लीजिए, इसके साथ साथ चेंजिंग रूम भी कहीं ना कहीं अगर मैं इसमें जाऊं तो मैं इसमें क्या चेंज करूंगा ये आप खुद सोच सकते हैं। इसके साइड के जो ये जो वॉल्स थी सपोर्ट जो थी वो गायब हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये चेंजिंग रूम अपने आप खड़ा हुआ है। और ये देखिए आप कूड़ा जो है वो यहाँ पर जला हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक और कूड़े का ढेर हमको ठीक हर की पौड़ी जो कांगड़ा घाट है वहाँ पर आपको दिखाई दिया है। तो खास खबर के लिए आज हरिद्वार से जुड़े हुए थे, आशा करते हैं कि अधिकारी जो हैं इस खबर को देखने के बाद इसका संज्ञान लेंगे, इसको यहाँ से हटाने की कार्रवाई जो शुरू होगी क्योंकि कांवड़ मेला जो है वो नज़दीक आ रहा है, करोड़ों कांवड़े जो है वो हरिद्वार जब पहुँचेंगे तो उसके बाद क्या सूरत हाल होंगे, कितने तालाब में टनों के हिसाब से जो कूड़ा होगा वो इस क्षेत्र में और पड़ेगा, आखिर उसको उठाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये सोचने का विषय होगा। और आशा करते हैं कि इस पर जो है सोचा जाएगा, इस पर कार्य होगा और जल्दी इसका जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं अच्छे नज़र आएंगे। फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।